हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। गाजियाबाद इंदिरापुरम थाना इलाके के वैशाली में बुलंदशहर की डिबाई से भाजपा विधायक डॉक्टर अनीता लोधी के ड्राइवर ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। सुबह जब अन्य सर्वेंट द्वारा दरवाजा खुलवाया गया तो दरवाजा नहीं खुलने पर इसकी सूचना भाजपा विधायक को दी गई। भाजपा विधायक द्वारा मौके पर पहुंचकर इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ताजा मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम का है, जहां वैशाली में बुलंदशहर के डिबाई से भाजपा विधायक डॉक्टर अनीता लोधी द्वारा एक फ्लैट लिया गया है और दिल्ली से नजदीक होने के चलते यहां पर कभी कभी ठहर जाया करती है। मैं डॉक्टर अनीता लोधी, मैं विधायक हूँ डिबाई से बुलंदशहर जिले में। ये तो कर्मचारी इधर G503 में रहते हैं, पर्ल कोर्ट राम प्रस्ता ग्रीन्स में, और सुबह हमें निकलना था दिल्ली के लिए, और उसी लिए हमारे स्टाफ ने मॉर्निंग में फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को बताया कि जो मेरे ड्राइवर है जीतू वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो आए फिर यहाँ पे इस घटना के बारे में पता चला। उससे पहले कुछ बताया हो कि कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कुछ भी, कोई बात नहीं थी हमारी। तो रात में 10:40 पे बात हुई है मेरी, और मैंने कहा था कि सुबह हमें 9 बजे दिल्ली निकलना है, 10 बजे में पहुंचना है, तो तैयार रहना। रहने वाले बुरहानपुर कला एक गाँव है डिबाई में के। इस मामले में भाजपा विधायक ने बताया कि रात को 10:40 पर ड्राइवर से बात हुई थी कि सुबह उन्हें दिल्ली जाना है और सुबह पता चला कि उस ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना अन्य सर्वेंट द्वारा विधायक के पति को दी गई और बताया गया कि ड्राइवर के कमरे का गेट नहीं खुल रहा। जब सुबह सभी लोग फ्लैट पर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये अभी सूचना प्राप्त हुई है, थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में रामप्रस्था ग्रीन एक सोसाइटी है, जिसमें कि जी ब्लॉक में रहने वाले जितेंद्र जीतू नाम का एक व्यक्ति है जो मुर्दिया डिबाई का रहने वाला है, और उसके द्वारा आत्महत्या सुसाइड किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस पहुंची है, डेड बॉडी को कब्जे में लिया गया है, वहाँ पर फील्ड लीडर की टीम को बुलाया गया है, तहकीकात हो रही है, जाँच हो रही है, जैसा भी होगा विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मृतक ड्राइवर का नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है, जो डिबाई का ही रहने वाला है। Time24 न्यूज के लिए गाजियाबाद से सोनू खान की रिपोर्ट। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।